कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी और आज भाजपा के 70-75 सांसद कम हुए हैं और पूरे देश में कांग्रेस का जो संख्या बल था आज दुगना हुआ है। और मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि देश का जो माहौल है उसमें बदलाव क्यों आया। वही नेता, वही भाषण आप देखते भाजपा के साथियों को, दिल्ली वाले नेताओं को कैसे मुंडा लटका हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है और चमक नहीं है। सत्ता में बैठे हैं लेकिन सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो मैं मानता हूं कि किसान और नौजवान का रहा। पूरे देश में जो 10 साल की सरकार का कार्यकाल रहा उसको लोगों ने देखा, समझा, आकलन किया और अंत में लोगों को लगा कि ये लोग बार बार वही भाषण देते हैं, वही जुमले देते हैं, अब समय बदलाव का है। इसलिए आज देश की संसद में राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और ज्यादा अंतर नहीं है, 290 और 234, विपक्ष के 234 सांसद हैं। और जब लोकसभा की पहले दिन की कार्रवाई चालू हुई तभी से केंद्र की सरकार को पटकने का, उनसे सवाल पूछने का, और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब देश में ये नीट का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, नौजवानों के भविष्य को जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका बीड़ा राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया है। आप सब यहां नौजवान साथी बैठे हैं और हम सब जानते हैं इस देश में परीक्षा पास कर नौकरी पाना बड़ा कठिन, जटिल, मेहनतकश, तपस्या क्या करने के बाद, एक बच्चा बच्ची नहीं करते, पूरा परिवार करता है। उन परीक्षा की तैयारी करना, लाखों लाख बच्चे बैठते हैं चंद नौकरियों के लिए, कितनी प्रतिस्पर्धा होती है और लोग क्या क्या यातनाएं झेलकर अपने बच्चे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद जो पूरे देश में आज इतना बहुत बड़ा कांड बन चुका है, उस नीट की परीक्षा का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अंधी बहरी होकर सरकार बोल रही नहीं कोई घपला नहीं हुआ, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है। हम सब आज एनएसयूआई के कार्यक्रम में आए हैं, हमको ये जवाब लेने होंगे। ये पेपर लीक होते कैसे, करवाने वाले कौन हैं, और कागजी कार्रवाई से, भाषण देने से, घड़ियालों आंसू बहाने से नहीं होगा। आप उन लोगों को पकड़ो जो इसके पीछे बैठे हुए हैं, हमें मजबूर करना पड़ेगा साथियों, हमें मजबूर करना पड़ेगा देश के उन लोगों को जो सत्ता में रहते हुए इस घिनौने अपराध को बर्दाश्त करते हैं। मैं आरोपी नहीं लगा रहा हूं लेकिन जो लोग ऐसे अपराध को बर्दाश्त भी कर रहे हैं वो उतने ही गुनहगार हैं। और छात्र संघ की बात करते हैं, धीरज जी बोल रहे थे, प्रदीप जी बोल रहे थे, सही बात है, अच्छा खाना मिलना चाहिए, हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, छात्रों के अधिकारों पर रहने मिलनी चाहिए, लेकिन जिस काम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जिन परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, उनकी बोली लगेगी, वो हजारों लाखों में बिकेंगे और करोड़ों हमारे बच्चे परिवार मातम मनाएंगे, दुख मनाएंगे, कचहरी के चक्कर काटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, सैद्धांतिक संकल्प लेना चाहिए कि इस प्रकार की कार्रवाई के लिए हम हर सीमा पार करने को तैयार हैं। और विनोद जी, आप वरुण जी ने पूरे देश में आज मुहिम चला रखी है, युवक कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने, केंद्र की सरकार ने जो जानबूझ के उनकी नाक के नीचे जो पेपर लीक हो रहे हैं, नीट की परीक्षा में जो हुआ उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, लोगों को सजा देनी पड़ेगी, उदाहरण स्थापित करना पड़ेगा। डोटासा जी बता रहे थे कैसे सबको साथ लेके हम लोग चल रहे हैं, और ये कांग्रेस की किसी एक नेता की बात नहीं है, ये 135 साल से इस पार्टी ने बहुत लोगों के लिए बहुत मौके दिए और एक ऐसी सोच पैदा करी है जो इतनी व्यापक है उसमें हर उम्र का, हर धर्म का, हर पृष्ठभूमि का, हर जाति का व्यक्ति समा सकता है। जरूरत इस बात की उस भावना को हम पैदा रखें। आज युवाओं के लिए, हम सभी युवाओं की बातें करते हैं, नौजवान देश का भविष्य है, नौजवान देश का भविष्य है,
मुझे भी 25 सालों के सुनते सुनते, हकीकत यह है साथियों कि नौजवान देश का वर्तमान है, भविष्य तो बहुत लंबी बात है, वर्तमान है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और राजस्थान के बारे में वरुण जी बता रहे थे, राजस्थान वो राज्य है जहां बहुत सारे नौजवानों को मौका मिला। मौका सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलता है। आज ये अध्यक्ष बने हैं, पहले अभिषेक चौधरी अध्यक्ष थे, उससे पहले राकेश में बहुत अध्यक्ष थे, आगे भी अध्यक्ष होंगे। उस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप अपनी काबिलियत क्या स्थापित कर पाते हो, आप अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने भाषण से, अपनी सोच से, अपनी कार्रवाई से, अपनी कार्यप्रणाली से क्या लोगों को जीत सकते हो। पद देना बहुत बड़ी बात नहीं है, पद तो कभी ना कभी किसी के पास रहता ही है। उस पद पर रहते हुए हम क्या अपनी लाइन लंबी कर सकते हैं, उस पद पर रहते हुए हम एक अपनी छाप छोड़ सकते हैं, हम लोगों के दिलों में जगह पैदा कर सकते हैं। मैं 2023 की 2003 की बात बताता हूं आप लोगों को। मैं संसद में नहीं था उस समय, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2004 के लोकसभा चुनाव आने वाले थे, 2003 में मुझे महीना याद नहीं, लेकिन सोनिया गांधी जी ने देश भर के 15-20 नौजवान लोगों को AICC में बुलाया, मुझे भी आमंत्रण दिया। मैं वहां गया और उड़ीसा, बंगाल, कलकत्ता, हर जगह से पंजाब, राजस्थान के लोग आए थे और सोनिया जी ने अकेले वहां मुलाकात करी एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। और उन्होंने कहा कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है, हमारी पार्टी में कार्य समिति भी है, प्रभारी भी हैं, बड़े बड़े पदों के लोग हैं, लेकिन 2004 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी तो मैं चाहती हूं कि आप सब मिलकर अपने अपने राज्यों में जाओ और सुनो और समझो कि इस देश का नौजवान हमसे क्या उम्मीद रखता है, ताकि उन बातों को मैं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में डाल सकूं। हम सबको इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, उस टाइम मैं 23-24 साल का हूँ, ऐसे हम लोगों को बुलाया और बड़ा अनौपचारिक बात करके कहा कि आप जो कैंपसेस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात को सुनो, गांव में, ढाणी में, शहरों में जाकर और उनकी बातों को सुनकर हमको बताओ, ताकि हम उसको अपने मैनिफेस्टो में डाल सकें। नौजवान लोगों को राजनीति के अग्रिम पंक्ति में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जगह दी है और पिछले 8-10 सालों में जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, जिनको आज बहुत कुछ चुनाव लड़ने का मौका मिला, MLMD बनने का मौका मिला, मैं समझता हूं ये कभी संभव नहीं होता अगर राहुल गांधी जी का हम सबका आशीर्वाद नहीं होता। अगर राहुल गांधी हमको नहीं बोलते कि युवाओं को मौका दें, हम सबको जब नौजवान उम्र में सांसद, मंत्री, अध्यक्ष बनने का मौका मिला और अपने कार्यकाल में हम और नौजवानों को मौका नहीं दें तो वो गलत बात है। हम लोग जो पदों पर पहुंच चुके हैं, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे जो उम्र में कम है उनका साथ हम दें, उनको रास्ता हम दिखाएं, उनकी गलतियों को सुधारें, अपने अनुभव का लाभ उन लोगों को दें। ये जिम्मेदारी हम सब मंच पर बैठे हैं और ये हमारी जो टीम है, आज जूली जी का भाषण सुन रहा था मैं सदन के अंदर, जब नेता प्रतिपक्ष पहली बार बने तो बहुत से लोग सोचते थे टीकाराम जी कि पता नहीं जूली जी का भाषण कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, लेकिन मैं सदन में बैठा था और मैं आपको आज सब लोगों के सामने बताना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आपने जो करारा भाषण दिया, जो आपने जो वहां भाषण दिया था, जितने भाजपा के साथी बैठे थे वो अपना सर जाके थे, 5 साल के लिए मारे गए और अभी भी आप हर बात पर उठकर अपनी बात को रखते हो। मुझे खुशी है कि गरीब परिवार के दलित परिवेश का आज नौजवान, मेरे उम्र में कम याद नहीं, सही मेरे उम्र के हैं, लेकिन हम डोटासरा जी, टीकाराम जी और हमने इकट्ठा काम किया। जिले के अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश में अध्यक्ष काम कर रहा था, आज मैं दिल्ली का महासचिव हूँ, ये प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष है। समय का चक्र रुकता नहीं है साथियों, इसलिए यहाँ जितने आप बैठे हो आप भी कभी ना कभी इन पदों पर बैठोगे, कोई ना कोई कोई कितना भी चाहे मेरा अनुभव कहता है हवा, पानी और नौजवान अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप तो सिर्फ, लेकिन हाँ, आपकी नियत में, आपकी काबिलियत में, आपकी मेहनत में अगर कहीं खोट आएगी तो वो छिपती भी नहीं है। तो कृपया करके संकल्प लो, मेहनत करो, समय लग सकता है
लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप मेहनत करते रहोगे आपका समय जरूर आएगा, पद पोस्ट मिलते रहेंगे, लेकिन पद जब मिल जाए तो कृपया करके उन लोगों का साथ नहीं छोड़ना जो आपके हम सफर रहे, जिन्होंने आपको उन पदों पर पहुंचाया है उन लोगों को साथ रखना पड़ेगा, जो आपके कार्यकर्ता रहे, साथी रहे। कभी कभी पदों में बैठ जाते हैं, समय कम मिलता है, सोच बदल जाती है, और बड़े लोग मिल जाते हैं, तो जो पीछे छूट जाते हैं उनकी फिर बद्दुआ लगती है। इसलिए हम सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। दोस्तों, मैंने शुरू में जब कहा कि ये नीट का प्रकरण इसने देश को हिला दिया है, और अब मैं देखता हूं कहीं कहीं ना कहीं, जब सरकार तो बन गई बीजेपी की, लेकिन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन मीडिया में भी आया है। अब वो भी जो है मुद्दों को दिखा रहे हैं, कमियों को बता रहे हैं, और विपक्ष की आवाज को वो थोड़ा बहुत ध्यान होना शुरू किया है। पेपर जब लीक होता है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि इससे घिनौना अपराध नहीं है, और जो अफसर अधिकारी नेता जो भी है उनको अगर काली कमाई करनी भी है तो मैं तो कहता हूं किसी और डिपार्टमेंट को पकड़ लो। लेकिन इसको जो पेपर लीक इस देश प्रदेश में कभी होता है तो, और आप सब जानते हो पेपर लीक पे मेरा जो स्टैंड रहा, मैं कल भी उस पर कायम था, आज भी कायम था, हमेशा कायम रहा। तो कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने जाने जाने में हजारों लाखों बच्चों के भविष्य खिलवाड़ किया है, तो किसी ने सही कहा कि हर गलती सजा मांगती है। अगर आप गलती करोगे आपको सजा मिलनी चाहिए, और नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े अधिकारी हो, कितने पूंजीपति हो, आप नौजवान के भविष्य खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य देश का आप सबके कंधों पर है, नौजवानों के कंधों पर है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं सभी लोगों का, आपने हमको भी आमंत्रित किया, और जो पुरानी टीम थी अनिल शिवाय की, मेरे ख्याल पिछले 5-7-8 अध्यक्ष थे, वो सब यहाँ पर आए हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, अध्यक्ष जी हैं। दिल्ली से आखिरी बात कांग्रेस तरफ से